एक दिन एक चूहा एक नदी के किनारे खेलकूद में मशगूल था कि उसने एक मेंढक को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरतजदा रह गए। चूहा जो खुश्की में जिंदगी बसर करता था, नदी में रहने वालों के रहन सहन से आशना होना चाहता था। दूसरी तरफ मेंढक को भी बहुत इश्तियाक था कि वो ये मालूम कर सके कि खुश्की में रहने वाले जानवरों की जिंदगी कैसी होती है। दोनों ने तय किया कि हर रोज सुबह एक मुकर्रर वक्त में कम अज कम एक घंटे नदी के किनारे बैठकर अपनी अपनी सरगुजश्त बयान करें। हर रोज दास्तानों पे दास्तानें बयान होने लगी। आशनाई एक गहरी दोस्ती में बदल गई और अब सिर्फ सुबह की एक घंटे की मुलाकात उनके लिए काफी न होती और कुछ देर की भी जुदाई उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। एक दिन चूहे ने मेंढक से कहा, ऐ मेरे दोस्त, जब गमो अंदोह संगीन हो जाता है तो मैं तुम्हें देखने के लिए बेकरार हो जाता हूँ, लेकिन तुम पानी के अंदर हो और मैं नदी के किनारे से बिला वजह तुम्हें पुकारता हूँ। तुम्हारी जुदाई मेरा गम और भी बढ़ा देती है। मेंढक ने जवाब दिया, चलो ऐसा करते हैं कि सुबह की मुलाकात का वक्त बढ़ा लेते हैं। चूहे ने कहा, तुम मेरा सुकून दिल हो, इससे ज्यादा हम एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। सुबह की मुलाकात भी ऐसा लगता है कि रोज बरोज मुख्तसर होती जा रही है। मेंढक ने पूछा, मेरे प्यारे दोस्त, चारेकार क्या है? तुम खुश्की में जिंदगी बसर करते हो और मैं पानी में। चूहे ने फौरन कहा, चलो ऐसा करते हैं कि जब भी जरूरी हो एक दूसरे को बुला लिया करें। हम दोनों आपस में एक दूसरे को बड़ी रस्सी से बांध लें। जब मैं रस्सी को खींचूं तो तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। मेंढक दिल से इस पेशकश पर राजी नहीं था क्योंकि जानता था कि ऐसा करने से बहुत खतरा है, लेकिन चूहा मुसलसल इसरार किए जा रहा था और मेंढक ने भी महज इसलिए कि दोस्त का दिल न टूटे मजबूरन चूहे की बात मान ली। दोनों ने एक दूसरे को एक ही रस्सी से जो निस्बतन बड़ी थी बांध लिया। लेकिन मेंढक के लिए ये राबिता बहुत मुश्किल साज बन गया था क्योंकि वो अपनी मर्जी से उछलने कूदने से महरूम हो गया था, लेकिन दोस्त के एहतराम में कभी भी उसने शिकवा नहीं किया। एक दिन एक बड़े कौवे ने चूहे को देखा और उसको अपनी चोंच में दबोच लिया और फिर उसे उठाकर अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगा। जैसे ही वो आसमान की तरफ ऊपर चला, मेंढक भी जो एक ही रस्सी में बंधा हुआ था अचानक पानी से बाहर निकल आया और फजा में टंग गया। लोग ये मंजर देखकर हैरत में रह गए। सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि एक कौवा किस तरह से एक मेंढक का शिकार कर सकता है। लोगों की ये बातें सुनकर मेंढक ने जवाब दिया, ये उन लोगों का अंजाम है जो हर किसी से दोस्ती कर लिया करते हैं।